सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रासर ऋषि महाराज की संतान थी और उनकी मां का नाम था सत्यवती। वही सत्यवती जो हस्तिनापुर में जिनका विवाह हुआ था शांतनु के साथ। एक मछुआरे के यहां जन्म होता है सत्यवती का, जिसका नाम मत्स्य गंधा रखा जाता है। मछलियों का व्यापार था, अधिकतर लोगों को वो नाव में बिठाकर पार कराते थे दरिया को। और यहां पर मत्स्य गंधा अपने पिता का साथ देती थी। एक दिन ऋषिगण श्री प्रसर जी महाराज, प्रसर ऋषि जो है, उनको नदी पार करनी थी और वो नदी तट पर आए। मछुआरे से कहा कि मुझे नदी पार करनी है, नौका आपकी चाहिए। तो किसी कार्य में व्यस्त था तो अपनी पुत्री सत्यवती को कहा कि ऋषिवर को पार करा के आ। ऋषि मुनि को लेकर बैठकर नाव में चल पड़ी। वो इतनी सुंदर थी सत्यवती कि ऋषि पराशर जो हैं, उन्होंने उसकी सुंदरता को देखकर उनको वरदान दे दिया महाराज कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरा एक अंश तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। सत्यवती ने कहा कि प्रभु महाराज, मैं तो अभी विवाहित नहीं हूं, अभी विवाह भी नहीं हुआ है। आपने मुझे यह वरदान दिया है, इस वरदान को वापस ले लीजिए। तो ऋषि पराशर ने कहा कि उस बालक की उत्पत्ति अभी होगी। नदी के बीच में नाव रुक गई, चारों तरफ अंधकार छा गया और धुंध गिरने लगी। चारों द्वीपों के बीच एक सुंदर तेजस्वी पावन बालक का उसी समय जन्म हुआ और उस बालक का नाम देवव्यापन रखा गया। देवव्यापन नाम रखा गया। उस बालक को ऋषि अपने साथ ले गए और उसका यौवन उसी प्रकार बना रहा जिस प्रकार पहले था। ये प्रभु की कृपा थी, प्रभु की माया थी। उस बालक को अनेक विद्याओं का ज्ञान, अनेक शास्त्रों का ज्ञान सब कुछ मिला और उन्होंने आगे चलकर अपने ही ज्ञान से चार वेदों की रचना की, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ गया। महाभारत की रचना की, आपकी महापुराण भागवत की रचना की व्यास जी महाराज। और व्यास जी महाराज की पत्नी अरणी देवी, उनकी संतान हुई श्री सुखदेव जी महाराज। इस प्रकार ये 17वां अवतार वेद व्यास जी का अवतार था। बोलो हरे कृष्ण।